हाँ, तो ये जो बड़ा सा छेद दिख रहा है ना, ये नरक जाने का छेद है। और ऐसे छेदों को देख के हमें दूसरे छेदों की याद आती है। और इस छेद को देख के लग नहीं रहा कि ये नरक जाने का छेद है, तो हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर जाके देखा जाए। और फिर हमें याद आया कि हम तो क्रिएटिव हैं, लेकिन आजकल पता नहीं यार क्या बकचोदी हो रही है, हम क्रिएटिव में भी बहुत फास्ट लॉक नहीं तोड़ पा रहे, और इसकी वजह से हमने अपनी सवाल में एफिशिएंसी 5 लगा दी। अब वो चलती नहीं, दौड़ती है। और हमने इसे दौड़ा दौड़ा के एक सर्कल बना लिया, क्योंकि हम यहाँ पे अपना नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं, जो हमने तुमको शायद नहीं बताया। क्या गांडू है। और अपना ये वाला जो एरिया था वो बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था, इसकी वजह से हमने उसे फिल कर दिया, अब थोड़ा बढ़िया लग रहा है। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है, हमको नेदर पोर्टल बनाना है, लेकिन लटकने वाला, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को चैन बनानी पड़ेगी ना, वो भी खतरनाक वाली, थोड़ा ज्यादा मोटी वाली, जिससे भाई अपना नेदर पोर्टल लटक सके। वैसे लटकाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ग्रेविटी काम है इसमें। ग्रेविटी कहीं मौजूदा नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। ओके यार, इस ग्रेविटी वाले टॉपिक को छोड़ते हैं, नहीं तो अपनी चैन नहीं बन पाएगी। तो फटाफट से अपनी चैन बना लेते हैं। उसके लिए तुमको ऊपर दो ब्लॉक को ऐसे लगा लेने, सेम नीचे लगा लेने, और बीच में से तुमको ऐसे जोड़ देना है। ओके, अपना पहला वाला कड़ंगा कंप्लीट हो चुका है। देखो यार, अपन अगर चैन बना रहे हैं तो यार वो नीचे को जाएगी थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल सीधी की सीधी होगी। इसकी वजह से अपनी चैन को थोड़ा नीचे साइड करते जाते हैं। ऑलराइट गाइस, अपनी फर्स्ट चैन बन के रेडी हो चुकी है, जो बढ़िया लग रही है। अब बाकी की चैन बना लेते हैं फटाफट से। ओके, अब अपनी बाकी की चैन बन के रेडी हो चुकी हैं, और सेंटर वाला ब्लॉक अपन को सामने ही दिख रहा है। बाकी ये सफेद वाले जो ब्लॉक लगे हैं इसको तोड़ देंगे, बाद में तोड़ देंगे। ओके, नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है जो बढ़िया है। तो अपना जो नेदर पोर्टल है ना, वो यहीं से लटकने वाला है, तो उसकी जो चैन होगी तो वो यहीं से जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक कड़ंगा बना लेता हूँ, नहीं पता। हाँ यार, यही चीज। तो तीन तीन ब्लॉक दोनों साइड लगा दिए, और ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये इस साइड भी फंसा हुआ है, इस साइड भी फंसा हुआ है, मतलब दोनों साइड से फंस गया है। अब इसके बाद यहाँ से अपन को स्टार्ट करनी है अपनी नेदर पोर्टल की जर्नी, जो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने वाले हम, पहले हम चैन लगाएंगे। तो चैन फटाफट से लगा के मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ऑल राइट गाइज, हमारी चैन बन के रेडी हो चुकी है, जो थोड़ा ज़्यादा नीचे तक नहीं जा रही है, कम नीचे तक जा रही है अभी, उसको हम और बड़ा करने की सोच रहे हैं। बाकी हम चारों साइड एक और लेयर बनाने की सोच रहे हैं, लेयर मतलब ऐसा सोच लो ऑब्सीडियन की एक और लेयर बनाने की सोच रहे हैं, जिससे भाई थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकें। हमारे दिमाग में कुछ कुछ प्लानिंग चल रही है। ओके, तो हमारी चारों साइड सेकंड लेयर बन के रेडी हो चुकी है। और तुमने अगर बेसल्ट बायोम देखी है, हाँ यही वाली बायोम, तो तुमको पता होगा कि ऐसे ही टावर के टावर बने होते हैं वहाँ पे। और हाँ, इन टावरों के बीच में क्या बोलते हैं उसको, लावा भी भरा रहता है, जो अभी अवेलेबल नहीं है अपने पास। बाकी हाँ, हम सोच रहे हैं यहाँ पे लावा भी भर देंगे, ये बाद का काम है। बाकी अभी अपन इसको कंप्लीट करते हैं, और अपनी ये कंप्लीट हो भी चुकी है, जो तुम लोग बताओ यार कैसी लग रही है। लेकिन एक मिनट, इसमें ये काले वाले पत्थर भी तो होते हैं, तो इसके ग्राउंड फ्लोर पे ये लगा देते हैं अपन ब्लैक वाले स्टोन, जिससे भाई थोड़ा अच्छी वाली लुक आए। ओके, ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब बढ़िया लग रहे हैं, जल्दी से लगा देते हैं पूरे के पूरे में। पहले इसकी डर्ट साफ करनी पड़ेगी, क्योंकि डर्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने अभी तो डर्ट लगाई थी जहाँ जहाँ खाली एरिया था, और अभी मैं फिर से साफ करता। वाह, क्या चूतिया हूँ मैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोड़ो, मैंने पत्थर लगा कंप्लीट कर दिए, और बाकी जो खाली खाली एरिया है उसमें अपन लावा भरने वाले हैं। और बाकी बढ़िया लग रहे हैं यार, शायद मुझे तो बढ़िया लग रहा है भाई, बनाने वाले को हमेशा बढ़िया लगते हैं। तभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, क्यों ना यहाँ पे नेदर के पेड़ उगा के देखे जाएं, और नेदर के पेड़ यहाँ पे बढ़िया उग रहे थे। तभी हमारे दिमाग में एक और चीज़ आई, क्यों ना यहाँ पे बायोम बना दी जाए, अलग अलग चार बायोम, चार पार्ट बना के। तो हमने फटाफट से पहली बायोम कंप्लीट कर दी, और ये रही अपनी पहली बायोम। तो जल्दी से करते हैं दूसरी बायोम को भी कंप्लीट, क्योंकि अपनी बायोम जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है अपन को, क्योंकि टाइम बहुत कम है, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा है, बाकी अपन को टाइम लगाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी है, नहीं जगह नहीं छोड़ी, मतलब उबड़ खाबड़ कर दिया, जिसकी वजह से भाई लगे कि हाँ रियल बायोम है। और उसके बाद देखो यार तुम लोग, मैंने एक बेसल्ट बायोम बनाई, एक नॉर्मल बायोम बना दी, दो बायोम का नाम हमको पता नहीं, तो बस बना दी, तुम लोग समझ जाओ यार कोई भी हो। और भाई ये हमने वाटरफॉल लावा फॉल बहुत मेहनत से बनाया है, जो पता नहीं हमने कहाँ की मेहनत की है इसमें, क्योंकि क्रिएटिव ही था। उसके बाद हमने सोचा चलो यहाँ पे पेड़ उगा देते हैं, और हम तनक देव के लिए खुशी हो गए। तनक देव के लाने या भी मेरी वाली लैंग्वेज है, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ घुसे देता हूँ इस लैंग्वेज को। चलो छोड़ो, अपन ने अपना पेड़ उगा दिया, जो अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अपन उगाएंगे। और यहाँ पे भी ये कोई पेड़ उगाते हैं, जो अलग अलग, पता नहीं यार इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं पेड़ उगते,
लेकिन सही नहीं उगते क्योंकि ये वाले पेड़ कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हैं, वो वाले इतने खूबसूरत नहीं रहते। चलो छोड़ो, ये वाला कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है, रेड वाला, क्योंकि उसमें बाइंस भी लटक रही हैं छोटी छोटी सी, और भाई लाइटनिंग तो उसके अंदर है ही, मतलब वो पर्सनली अपनी लाइटनिंग करके लाते हैं। पेड़ भाई अपनी व्यवस्था करके लाते हैं, पता नहीं अपने यहाँ के पेड़ कैसे, मतलब रियल लाइफ के पेड़, वो अपनी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं करते। तो अपना नेदर पोर्टल वाला काम स्टार्ट करते हैं। तो 5 ब्लॉक मैंने इस साइड एक्सटेंड किया, 5 ब्लॉक उस साइड एक्सटेंड किया, और 5-5 ब्लॉक इन दोनों साइड भी अपन बढ़ा देते हैं जल्दी से। ओके, 5-5 ब्लॉक मैंने तीनों चारों साइड बढ़ा दिया। उसके बाद 2 ब्लॉक यहाँ पे और 2 ब्लॉक यहाँ पे, मतलब दोनों साइड 2-2 ब्लॉक लगाए, और दोनों साइड 2-2 ब्लॉक लगाने के बाद ऐसे 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 मतलब स्टेप्स टाइप का बना दिया, और यहाँ पे एक, ओके ये देखो ऐसा बन गया। ऐसे ही मुझे चारों साइड कंप्लीट करना है, मैं फटाफट से चारों साइड कंप्लीट करके मिलता हूँ 2.5 सेकंड में। ओके, अब तो चारों साइड का एक सर्किल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको अपन को नीचे एक्सटेंड करना है, पता नहीं कितने ब्लॉक तक, जितने ब्लॉक तक अपन को अच्छा लगने लगे उतने ही ब्लॉक तक। उसके बाद मैंने फटाफट से एक्सटेंड करके अपना नेदर पोर्टल ऑन कर दिया। देखो, अपने नेदर पोर्टल को अपन देने वाले हैं लैंटर्न वाली लोग, और लैंटर्न वाली लोग देने के लिए सबसे पहले अपन को ऊपर की कारीगरी करनी पड़ेगी। कारीगरी मतलब समझते हो तुम लोग। तो अब ऊपर का कांड हो गया है, अब नीचे का कांड स्टार्ट करते हैं। अबे साले, ऑल राइट गाइज, इसके अंदर का अपना पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा मोड़ा काम बचा हुआ है जो अभी मैंने सोच रखा है, उसे अभी थोड़ी देर से करते हैं। बाकी पहले तो मैं इसकी लुक दिखा देते हैं, जो ऐसी है और इस साइड से ऐसी है, इस साइड से एक और नेदर पोर्टल, मतलब चारों साइड से 4 नेदर पोर्टल हैं, और लैंटर्न ऐसी डिजाइन है, तुम लोग समझते हो। इसके अंदर थोड़ी सी लाइटनिंग की अभी भी कमी थी, मतलब बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि ये जो ऑब्सिडियन है ना, ये कतई ज़्यादा वाला काला है। अगर हमने ये ब्लॉक नहीं लगाए होते ना, तो तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं और हम ब्लॉक कहाँ लगा रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ मैंने थोड़ा व्हाइट कर रखा है एडिटिंग में, बस लास्ट खूबसूरती की चीज जिसे हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। ओके यार, लकी कंप्लीट हो चुकी है, जो कतई ज्यादा खतरनाक लग रही है, मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी बढ़िया लगेगी। ओके, अपन को लैंटर्न वाली डिजाइन देना है, तो लैंटर्न वाली डिजाइन देने के लिए थोड़ी थोड़ी जाली लगा देते हैं चारों साइड।